साथियों, आज अदालत में मैं सब साफ मन से पेश हुई हूँ, जैसे कि किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को करना चाहिए। देश के कानून बिना किसी भय और पक्षपात के सभी के ऊपर बराबर लागू होते हैं। मुझे जरा भी संदेह नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। हम अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले और उनके निंदा के अभियान से पूरी तरह वाकिफ है। यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह और बात है कि ये लोग हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी धरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस के नीतियों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शुरू करूं? मैं कानून का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इंजाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम विपक्ष का काम करते रहेंगे और हम एक इंच पीछे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the Congress party is united in support of what Sonia ji and Rahul ji have mentioned just now. We will fight and we will give a determined fight because we stand for certain values, certain ideas, certain ideals, and nobody can detract the Congress party from that path.